हाय दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं द सोल्जर डायरी। आइए हम लोग बिहार पुलिस के एक नया विज्ञापन संख्या 1/2023 वैकेंसी के बारे में जानते हैं डिटेल से। नई वैकेंसी आई है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, अच्छी जॉब है। और अगर इसका लेवल के बात बोलें तो लेवल थ्री का जॉब है। आइए इसका देखते हैं आखिर अप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होता है। विज्ञापन संख्या क्या नाम है? बिहार पुलिस विज्ञापन संख्या कितना है? 1/2023। अगर एप्लीकेशन स्टार्ट का बात देखें तो कब से हो रहा है? 20/6/2023 से। 20/6/23 से इसमें आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक। कब तक भराएगा वो डेट को देखते हैं, तो 20/7/2023। यहाँ पर हम देखते हैं टोटल आपको 30 दिनों का समय मिलता है, पर्याप्त समय है। 30 दिन कम समय नहीं होता है, एक अच्छा खासा समय आपको मिल रहा है 30 दिन भरने के लिए। आइए इसमें फीस की अगर बात करते हैं तो फी देख रहे हैं, तो फी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या बीसी में हैं, मतलब जनरल या बीसी में है, तो आपको 675 रुपये फी पेड करने होंगे। वही अगर आप एससी एसटी में हैं तो आपको 180 रुपये देने होंगे, ठीक। अब आइए एलिजिबिलिटी देखते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2 और वहीं अगर सिलेबस का बात करते हैं, सिलेबस का बात करें तो जो मैंने एग्जामिनेशन में पैटर्न होगा, जो परीक्षा का पैटर्न होगा आखिर किस लेवल का होगा, तो उसमें विज्ञापन में साफ साफ दिया हुआ है कि 10 क्लास का होगा। किस लेवल का होगा? 10th लेवल का एग्जाम होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के प्रश्न होंगे, और करंट अफेयर भी है। क्या है दोस्तों? करंट अफेयर के भी प्रश्न होंगे। सिलेबस में देखा जाए तो 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस और करंट अफेयर। वहीं सोशल साइंस में देखें इतिहास, नागरिक, भूगोल, ये सब आ जाएंगे। साइंस में देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आइए दोस्तों इसमें एज की बात करते हैं। एज कितना है, चेस्ट कितना मांग रहा है, हाइट कितना मांग रहा है, गोला फेंक कितना मांग रहा है, रनिंग कितना टाइम में करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो इस वैकेंसी में टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है? 21,391। लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण इसमें 35% है, अगर इसका हम 35% निकालेंगे तो 7,486 लगभग इतना होगा। अगर इसको -486 अभी तक के वैकेंसी में अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस में खास करके सबसे बड़ी वैकेंसी आई है 2023 में। अगर एज के हम बात करते हैं तो आपको विज्ञापन से हम एज बता दे रहे हैं कि इसमें कितना मांग रहे हैं, 1825 वर्ष है। एज इसके लिए कितना है? 18 से 25। वही अगर बीसी के लिए भी देखते हैं, बीसी के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए, तो 18 से 27, मतलब आपको यहाँ पर 2 वर्ष का छूट मिल रहा है। अगर वही एसी एसटी की बात करें तो 18 से 30 वर्ष है। कितना है? 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष। अब आइए दोस्तों फीमेल के लिए भी देखें तो उसमें भी आपको 30 वर्ष तक भरना है। चेस्ट की अगर बात करें तो यहां पर आपको 81 से 86 सेंटीमीटर देना है। कितना? 81 से 86 सेंटीमीटर, मतलब न्यूनतम 5 सेंटीमीटर कम से कम सीना फूलना चाहिए। वहीं ए सी एस टी का बात करें तो इसमें 2 सेंटीमीटर का रिबेट दिया गया है, मतलब 79 से कितना? 84 सेंटीमीटर। वही फीमेल का है तो इसमें अप्लाई नहीं है, फीमेल के लिए अप्लाई नहीं है। वहीं अब हाइट की बात करते हैं तो यूआर और बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। वहीं ईबीसी, एसी और एसटी के लिए देखेंगे 160 सेंटीमीटर। और फीमेल, किसी भी वर्ग का फीमेल हो या अनरिजर्व कैटेगरी हो, जनरल, जनरल को ही अनरिजर्व कहते हैं, जनरल हो
ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सभी के लिए 155 कितना निर्धारित किया गया है, 155 सेंटीमीटर। अब आइए इसमें देखते हैं कि रनिंग टाइम दिया है, और इसमें एक नोट में ये बात लिखा गया था कि इस बार जो एग्जाम होगा उसका मतलब ऐसा नहीं रिटेन बेस नहीं है, रिटेन में केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिटेन का वैल्यू नहीं है, उसमें आपको 30% मिनिमम मार्क लाना है। अगर 30% मार्क्स नहीं आता है तो आप क्या हो जाएंगे, फेल घोषित किए जाएंगे। तो रिटेन भी तैयारी करना है, जितना भी अगर अधिक संख्या में स्टूडेंट होंगे उसको, मान लीजिए कि अगर मेरा टोटल सीट 21,391 है, अगर इसका 10 गुना भी लेते हैं, 2,00,000 प्लस अगर सीट मेरा रिजल्ट देता है, अगर 10,00,000 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उसमें तो 5 गुना रिटर्न में बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि रिटर्न है, रिटर्न भी है। आइए फिजिकल के लिए टाइमिंग हम देखते हैं क्या क्या है। इसमें दौड़ का समय दिया, आपको 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। किसके लिए है, मेल के लिए है। वही अगर आप 5 मिनट, 50 मार्क का टोटल है, टोटल दौड़ कितना का है, 50 मार्क का है, ठीक। अगर 5 मिनट में आप दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 50 मार्क दिए जाएंगे। वही अगर 5 मिनट और 20 सेकंड लेते हैं तो आपको 40 मार्क मिलेंगे, 5 मिनट और 40 सेकंड लेते हैं तो आपको 30 मार्क मिलेंगे। वहीं अगर 6 मिनट में पूरा करते हैं तो 20 मार्क मिलेंगे, अगर 6 से ज़्यादा समय लगेगा तो यहाँ पर आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। विज्ञापन में एक और चीज़ दिया गया, ऐसा नहीं कि आप इस दोनों में क्वालिफाई कर गए इसमें फेल कर गए, ऐसा नहीं, आपको तीनों में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। मतलब 6 मिनट में तो आपको आना ही, नहीं तो आप यहाँ पर आप असफल घोषित किए जाएंगे। अब आइए देखते हैं गोला फेंक के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है। मेल फीमेल का अलग अलग है, देख लिया जा। आइए पहले दौड़ के लिए फीमेल का देख लेते हैं। तो फीमेल को 1 किलोमीटर का दौड़ 5 मिनट में पूरा करना है, फीमेल को 1 किलोमीटर का दौड़ कितना में, 5 मिनट में पूरा करना है। वही अगर 4 मिनट में अगर दौड़ पूरी कर लेती है तो कितना मिलेगा उसको, 50 मार्क। अगर 4 मिनट 20 सेकंड में पूरा करती है तो कितना मिलेगा, 40। 4:40 में अगर पूरा करती है तो 30 मार्क मिलेगा, और 5 मिनट पूरे ले लेती है तो कितना, 20 मार्क। अगर 5 से ज़्यादा लगते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब ये गोला फेंक, गोला इसमें 3 तरह का क्राइटेरिया रखा गया, एक रनिंग है, एक गोला है, एक हाई जंप है, तो हाई जंप बताएंगे अभी। आइए गोला फेंक में देखते हैं कितना मार्क्स मिलेगा। अगर आप 25 मार्क का है गोला फेंक, कितना का है, 25 मार्क का है। 20 फीट अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको 25 मार्क यहाँ पर मिलेंगे। अगर 19 फीट फेंकते हैं तो कितना मिलेंगे, 21 मार्क, मतलब 4 घटते जाएंगे। अगर 1 फीट अगर कम फेंकते हैं तो आपको 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर 18 फीट फेंकते हैं तो वहीं 17 मार्क मिलेंगे। अगर 17 फीट फेंकते हैं तो कितना, 13 मार्क मिलेंगे। 16 फीट फेंकते हैं तो 9 मार्क। 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं फीमेल का बात करें तो फीमेल के लिए मिनिमम कितना फीट फेंकना है, 12 फीट। 16 फीट से अधिकतम या 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 25 मार्क। 15 फीट फेंकते हैं तो आपको 21 मार्क। 14 फीट फेंकते हैं तो आपको 17 मार्क। 13 फीट फेंकते हैं तो आपको कितना, 13 मार्क। वही 12 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क। अगर 12 से कम फेंकिएगा तो यहाँ पर क्या, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ बारी बारी से देखते हैं, गोला फेंक हो गया, अब आइए और यहाँ पर देखते हैं। गोला फेंक के बाद कौन चाहिए, हाई जंप है। हाई जंप ऊंची कूद, क्या है, ऊंची कूद। ऊंची कूद के लिए आइए देखते हैं कैटेगरी, यहां मेल बना देते हैं, यहां पर फीमेल बना देते हैं। ऊंची कूद में 4 फीट स्टार्ट होगा, कितना से, 4 फीट, मतलब 4 फीट मिनिमम है क्वालिफाई करने के लिए मेल के लिए। मेल के लिए कितना, ये भी कितना का होगा, 25 मार्क, कितना, 25 मार्क। और फीमेल के लिए मिनिमम कितना फरना होगा, 3 फीट। आइए मेल अगर इसमें 5 फीट या उससे अधिक हाई जंप कूदता है तो उसको कितने नंबर जाएंगे, 25 अंक, कितना है, 25 अंक। वही अगर 4 फीट 8 इंच, कितना, 8 इंच करते हैं तो उनको 21 मार्क मिलेंगे, कितना, 21 मार्क। वही 4 फीट
चार इंच, कितना चार इंच, तो फिर इसमें अगर चार इंच करते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। और लास्ट में चार फीट आठ इंच, अगर यहाँ चार फीट फानते हैं, केवल चार फीट मतलब क्वालिफाई करते हैं, तो उनको यहाँ पर 13 अंक दिए जा रहे हैं, कितना 13 अंक। और चार फीट से अगर कम फानते हैं तो उनको असफल घोषित किया जाए। वहीं अगर फीमेल के लिए बात करें, ये फीमेल के लिए देखते हैं, तो चार फीट अगर फीमेल, चार फीट तो फीमेल का हाईएस्ट, चार फीट से अगर ज़्यादा फांती है तो उसको कितना मिलेगा 25। वहीं तीन फीट अगर आठ इंच की बात करें तो उनको मिलेगा कितना 21। वहीं तीन फीट चार इंच का बात करें तो कितना मिलेगा उनको, तीन फीट चार इंच, तो अगर 17। और मिनिमम उनको कितना फानना है, तीन फीट, तीन फीट के नीचे डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, तो इसके लिए उनको कितना मार्क्स दिए जाएंगे, 13 मार्क्स। तो ये हो गया आपका फिजिकल के लिए। टोटल मार्क्स की बात करें, अभी हम लोग डिटेल से देख लिए, एप्लीकेशन देख लिए, 26 से स्टार्ट हो रहा है 27 तक। वहीं फी का बात करें तो जनरल और ओबीसी का कितना है 675, एससी एसटी का 180 है। एलिजिबिलिटी कितना है 10+2, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। एज कितना है, तो अगर आप जनरल में है तो 1825, बीसी में 1827, एससी एसटी 1830। अब आइए, चेस्ट की वही बात हुआ तो 81 से 86, मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा आपको। एससी एसटी है तो आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का रिबेट मिलेगा, 79 से 84, फीमेल के लिए लागू नहीं होता है। और हाइट की बात करें तो जनरल और बीसी के लिए 165 रखा गया, और ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा है। वहीं फीमेल के लिए किसी भी कैटेगरी का हो तो 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ये तो हो गया दोस्तों इसके फिजिकल कैटेगरी। आइए अब देखते हैं कितना मार्क का टोटल हो गया फिजिकल, हम लोग देखते हैं दौड़ में कितना था टोटल, दौड़ के लिए था 50 मार्क। वही हाई जंप था मतलब ऊंची कूद, ऊंची कूद के लिए कितना था 25 मार्क था, ठीक, ऊंची कूद के लिए 25 हो गया, दौड़ के लिए हो गया। और गोला फेंक था, क्या था, गोला, गोला फेंक भी टोटल कितना था 25 मार्क का। अगर देखा जाए तो सभी को जोड़ देने पर कितना हो जाएगा 100 मार्क्स, 100 मार्क की अपनी क्या होगी, आपका एग्जाम होगा। अब आइए वो भी कितना होगा, 100 मार्क्स से ही क्वेश्चन होगा, कौन रिटेन में जो होगा 100 मार्क्स होगा, लेकिन उसमें कम से कम आपको 30% लाना अनिवार्य है। आइए दोस्तों ये तो हो गया इसका, सब जान गए कि क्या फिजिकल है, क्या क्वालिफिकेशन है, कि मार्क्स, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब ये इसके सैलरी के बारे में बात करते हैं। लेवल 3 का जॉब है, पहले ही हमको आपको बता दिए हैं लेवल 3 का जॉब है। वेतन मान, इसका वेतन मान कितना है, वेतन मान अगर विज्ञापन में पढ़िएगा तो 21,700 से लेकर दिया है 69,100 रुपया दिया है। तो 21 हज़ार ऐसा नहीं कि आपको 21 मिलता है, 21,700 पे अगर सोचिएगा, यहाँ पर अभी 34 से 38% आप अगर डीए जोड़ दीजिएगा, ऊ जुड़ता है, प्लस होता है इसमें, फिर इसमें देखिएगा आपको तो हाउस अलाउंस जुड़ जाएगा, हाउस अलाउंस यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर प्लस देखिएगा तो यहाँ मेडिकल जुड़ जाएगा, फिर यहाँ देखिएगा तो फूड अलाउंस जुड़ जाएगा। मतलब टोटल अगर प्रथम सैलरी आपको मिलेगी तो ऐसा नहीं है, 30+ यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। तो वेतनमान भी लेवल 3 के जॉब में इसको ठीक ही है, एक तरह से बोला जाए 30+ से आपको सैलरी स्टार्ट होगा। इसको आप लोग भर लीजिए, टाइम पर्याप्त है आपके पास, 26 से लेकर कब तक भरना है, 27 तक। तो जय हिंद दोस्तों, इसी को बताने आए थे, और इसी चैनल पे इसका प्रैक्टिस सेट चलेगा आप लोग देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।